Good morning class, this is our new pathology class in which today we will study about the vascular events of inflammation. In our previous class we started the topic inflammation, in which I told you that two events are involved in the process of inflammation, that is vascular event and cellular event. And today we will discuss about the vascular events of इन्फ्लामेशन. तो देखिए इन्फ्लामेशन में ये दोनों ही इवेंट्स जो हैं वेस्कुलर सेलुलर साथ साथ में चलते हैं. ऐसा नहीं कि वेस्कुलर कोई अलग से इवेंट या सेलुलर कोई अलग से इवेंट है. जब वेस्कुलर चल रहा है तो उसी के अंदर ही सेलुलर इवेंट भी चल रहा होता है, पर हालांकि दोनों की मैकेनिज्म में डिफरेंस होता है. तो वेस्कुलर इवेंट जब चलता है तो उस समय बॉडी में इन्फ्लामेशन के दौरान माइक्रोवेस्क्यूलेचर ऑल्टर्ड हो जाता है, चेंज आ जाता है माइक्रोवेस्क्यूलेचर में. फिर इस वेस्कुलर इवेंट को हम दो फेजेस में डिवाइड करते हैं, हीमोडायनामिक चेंजेस एंड चेंजेस इन द वेस्क्यूलर परमियाबिलिटी. दोनों अच्छे से याद कर लीजिए, एग्जाम में लिखना है क्योंकि इन्फ्लामेशन बहुत कॉमनली क्वेश्चन पूछा जाता है. तो हीमोडायनामिक चेंजेस एंड चेंजेस इन द वेस्क्यूलर परमियाबिलिटी. अब हीमोडायनामिक चेंजेस क्या है? हीमोडायनामिक चेंजेस के दौरान सबसे पहला ट्रांजिएंट वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, दूसरा परसिस्टेंट प्रोग्रेसिव वैसो डायलेशन होता है, तीसरा प्रोग्रेसिव वैसो डायलेशन के बाद स्लोइंग या स्टासिस चलता है, और पांचवा ल्यूकोसाइट का मार्जिनेशन होता है. ये हीमोडायनामिक चेंजेस है. तो ट्रांजिएंट, इनको ध्यान से सुनना पहले सारे इवेंट्स को अच्छे से, उसके बाद मैं इनको एक साथ आपको बताऊंगी कि आप कैसे इसको फ्लो चार्ट में लिख सकते हैं. देखिए ट्रांजिएंट वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन के, जैसे ही बॉडी में कोई इंजरी वगैरह हुई तो तुरंत वैस्कुलर रिस्पॉन्स जो है वो दिखाई देगा इंजरी के अकॉर्डिंग, किस टाइप की इंजरी हुई है. आर्ट्रियोल्स के अंदर रिस्पॉन्स दिखाई देगा. अगर माइल्ड इंजरी है तो 3 से 5 सेकेंड के अंदर वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, और सीवियर इंजरी है तो 5 मिनट से ज़्यादा समय लग जाएगा. माइल्ड में 3 से 5 सेकंड है, सीवियर में 5 मिनट तक ऐसा समय लग जाता है और वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है. ये वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन क्यों हो रहा है? ताकि भाई ब्लड लॉस कम से कम हो. वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं होगा तो ब्लड लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा बॉडी से बहुत ज़्यादा, तो वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट होते ही ब्लड फ्लो डिक्रीज हो जाएगा. तो ये यहाँ पर आपको आर्ट्रियोल में दिखाई दे रहा है, ये स्फिंक्टर वॉल्व्स यहाँ पर लगे पड़े हैं, ये वेन्यूल्स के अंदर दिखाया गया है. तो ब्लड लॉस देखो, टिश्यू पेल हो जाता है और इससे ब्लड लॉस जो है वो मिनिमम हो रहा होता है. कुछ फ्यू सेकंड्स के लिए वैसो कॉन्स्ट्रिक्शंस हो रहा है या फ्यू मिनट्स के लिए हो रहा होता है, उसके बाद क्या हो जाता है? वैसो डायलेशन, जो कि परसिस्ट करता है और प्रोग्रेसिव होता है, मेनली आर्ट्रियोल्स के अंदर होता है, ये भी दूसरी एरियाज में लेसर एक्सटेंड में होता है. ऑब्वियस है कि इंजरी के हाफ एन आवर के अंदर ये वैसोडाइलेशन हो जाता है, जिससे कि ब्लड वॉल्यूम उस माइक्रोवैस्कुलर बेड के एरिया में बढ़ जाएगा और वहाँ पे रेडनेस आ जाएगी और वो एरिया गर्म हो जाएगा. तो ये आपको दिखाई दे रहा है वेन्यूल्स में टिश्यू हाइपरीमिया और रेडनेस हो रही है वैसोडाइलेशन की वजह से. फिर ये वैसोडाइलेशन लगातार वहाँ पे बना हुआ रहता है, जिससे कि लोकल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है, एचपी बढ़ जाएगा. एचपी बढ़ते ही वहाँ पे ट्रांसड्यूडेट जो है आ जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा एक्स्ट्रासेलुलर स्पेस में, ट्रांसड्यूडेट इकट्ठा हो जाता है और वहाँ पे स्वेलिंग आ जाती है. चौथा स्लोइंग और स्टासिस, जो रेड सेल कंसंट्रेटेड रेड सेल्स हैं या जो रेड सेल का अमाउंट है वो वहाँ पर बढ़ जाएगा, जिससे कि ब्लड की विस्कोसिटी बढ़ जाती है. ये डायग्राम में बताया गया है, आर्ट्रियोल टिश्यू में हाइपरीमिया रेडनेस हो गई, स्फिंक्टर वॉल बताए गए वेन्यूल्स में, जिससे कि ब्लड फ्लो बंद हो जाता है और एक्सुडेशन कॉज होता है. ये येलो कलर का जो लीकेज हो रहा है वो एक्सुडेशन दिखाया गया है. और पांचवा ल्यूकोसाइट मार्जिनेशन, के भाई ल्यूकोसाइट जो WBCs हैं, स्पेशली मैंने बताया कौन सी WBC, न्यूट्रोफिल्स. एक्यूट इन्फ्लामेशन की पहचान है न्यूट्रोफिल्स. न्यूट्रोफिल्स जो है वो पेरीफ्राई में या वहाँ पर पहुँच जाते हैं उस एरिया में जहाँ पर इंजरी हुई है. वैस्कुलर एंडोथीलियम की जगह पर न्यूट्रोफिल्स पहुँच जाती हैं. वैस्कुलर एंडोथीलियम ब्रीफली जो है वहाँ पर ये चीज़ें चिपक जाती है, मूव होकर के माइग्रेट हो जाती है उन गैप्स के थ्रू. एंडोथेलियल सेल में जो गैप आया था उससे माइग्रेट हो जाते हैं, यानी एक्स्ट्रा वैस्कुलर स्पेस में चली जाती है. इसको हम एमिग्रेशन कहते हैं. ये टर्म याद करिएगा, याद रखिएगा, क्योंकि जब मैं सेलुलर इवेंट पढ़ाऊंगी तो वहाँ पे पढ़ाऊंगी. वहाँ क्यों पढ़ाऊंगी? क्योंकि हम यहाँ पर ये जो पॉइंट बोल रहे हो न्यूट्रोफिल के लिए बोल रहे हो. न्यूट्रोफिल क्या चीज़ है? सेल है.
तो मैंने कहा वेसल्स के साथ में सेलुलर इवेंट चल रहा होता है, वेस्कुलर इवेंट सेलुलर इवेंट साथ साथ में चलता है, आगे पीछे नहीं चलता। तो ये जो न्यूट्रोफिल का मार्जिनेशन वगैरह हो रहा है और ये उस स्पेस के अंदर घुस जाते हैं जिसको हम एमिग्रेशन कहते हैं, ये सारा क्या है, ये सेलुलर इवेंट है। तो ये चेंजेस वहाँ पर हो रहे होते हैं, ये पांच चेंजेस। अब इनको आप फ्लो चार्ट में कैसे लिख सकते हो, तो सबसे पहले इन्फ्लामेशन लिखोगे फ्लो चार्ट में, फर्स्ट टर्म लिखोगे इनिशियल रिएक्शन टू टिश्यू इंजरी। इन्फ्लामेशन क्या चीज़ है, इनिशियल रिएक्शन टू टिश्यू इंजरी। फिर एरो लगाइए, एरो के साइड में लिखिए वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन फॉर फ्यू सेकेंड्स। फिर एरो के नीचे लिखना है वैसो डायलेशन। फिर लीकेज ऑफ प्रोटीन रिच फ्लूड, प्रोटीन रिच फ्लूड किसको कहते हैं अपन, एक्जुडेशन को। अभी मैंने बताया ना एक्जुडेशन होता है, यानी लीकेज ऑफ प्रोटीन रिच फ्लूड। फिर उसके बाद एरो लगाइए रिक्रूटमेंट ऑफ न्यूट्रोफिल, ये पॉइंट लिखना है। क्या लिखना है, रिक्रूटमेंट ऑफ न्यूट्रोफिल, क्योंकि वहाँ पे न्यूट्रोफिल पहुँचेगी। फिर उसके ब्रैकेट में लिखना है इज द करैक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एक्यूट इन्फ्लामेशन, यानी न्यूट्रोफिल का वहाँ पे पहुँचना एक्यूट इन्फ्लामेशन की पहचान है। और लास्ट एरो के बाद आप लिखोगे आउटकम्स, एक्यूट इन्फ्लामेशन के आउटकम्स अपन बताएंगे। तो ये जो पांच पॉइंट्स मैंने आपको बताए उसको फ्लो चार्ट में लिखना मैंने आपको बता दिया है। क्या क्या बताया, इन्फ्लामेशन क्या है, इनिशियल रिएक्शन टू टिश्यू इंजरी, एरो, एरो के साइड में वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन फॉर फ्यू सेकेंड्स, देन वैसो डायलेशन, देन लीकेज ऑफ प्रोटीन रिच फ्लूड, देन रिक्रूटमेंट ऑफ न्यूट्रोफिल इज द करैक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एक्यूट इन्फ्लामेशन, एंड फाइनली आउटकम्स ऑफ एक्यूट इन्फ्लामेशन। अब यहाँ पे जो फ्यू सेकंड्स के लिए वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन हुआ था वो हमने एरो के साइड में लिखा है, क्यों, क्योंकि ये कोई मेन इवेंट नहीं है, फ्यू सेकंड्स के लिए तो हो रहा है इसलिए हम एरो के नीचे नहीं लिखते, इसको एरो के साइड में लिखते हैं, जबकि बाकी सारी चीज़ें परसिस्टेंट है इसलिए वो हमने मेन पॉइंट के फॉर्म में बताया है। अब वैस्कुलर परमेबिलिटी चेंज हो जाती है वो पढ़ लेते हैं, ऑल्टर्ड वैस्कुलर परमेबिलिटी। तो ये जैसे वैस्कुलर परमेबिलिटी चेंज होगी ऑडिमा वहाँ पर बन जाएगा, यानी ऑडोमेटिक फ्लूड इकट्ठा हो जाता है कहाँ पे, इंटरस्टिशियल कंपार्टमेंट में, ब्लड प्लाज्मा से बाहर आ रही होती है चीज़ें तो एस्केप हो जाती हैं, पेरिफेरल वैस्कुलर बेड के एंडोथेलियल वॉल से जो ब्लड प्लाज्मा है वो एस्केप हो रहा होता है, फ्लूड एस्केप हो रहा होता है जिससे कि एडिमा बन जाता है। एडिमा क्या होता है वो मैं आपको आगे की क्लासेस में पढ़ाऊंगी डिटेल के अंदर। ये जो फ्लूड का एस्केप है वो क्यों हो रहा है, वैसो डायलेशन की वजह से। जैसे ब्लड वेसल में डायलेशन होता है, कोई चीज़ फूलेगी फूलेगी तो वहाँ पर खिंचाव आएगा, खिंचाव आएगा तो जो एंडोथेलियल स्पेस है उनमें गैप, एंडोथेलियल सेल्स जो है उनमें गैप आ जाता है, उन गैप के रास्ते से फिर जो है, क्योंकि एच पी वहाँ पर बढ़ा हुआ है तो उस गैप के रास्ते से क्या होता है, फ्लूड बाहर निकलने लग जाता है। तो केवल अगर फ्लूड बाहर निकल रहा है तो इसको हम कहते हैं ट्रांसुडेट, और एडिमा वहाँ पे कॉज हो रहा है जो कि इन्फ्लामेटरी प्रोसेस का करैक्टरिस्टिक फीचर है कि एडिमा वहाँ पर आएगा जिससे कि वैस्कुलर परमेबिलिटी बढ़ जाएगी, माइक्रो सर्कुलेशन चेंज हो जाएगा। तो वहाँ पे ट्रांसुडेट तो हो ही रहा था, साथ में सेल्स और प्रोटीन भी लीक होने स्टार्ट हो जाएंगे तो उस फ्लूड को हम कह देते हैं एक्जुडेट। अगर केवल फ्लूड निकल रहा है तो ट्रांसुडेट और फ्लूड के साथ में सेल्स और प्रोटीन्स भी निकल रहे हैं तो एक्जुडेट कहलाता है। और ध्यान रखिएगा एग्जाम में आपके ट्रांसुडेट एक्जुडेट में डिफरेंस भी पूछा जाता है, तो डिफरेंस आप अपनी कॉपी में लिख करके रख लीजिए। अब ये ट्रांसुडेट एक्जुडेट हमने यहाँ पर डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन किया हुआ, देखो आपको नॉर्मल ऊपर ब्लड वेसल्स दिखाई दे रही हैं जिनमें एंडोथेलियल सेल्स से ये इसकी लाइनिंग है, और अंदर जो है प्लाज्मा प्रोटीन आपको फ्लूड के अंदर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो एच पी और ओ पी एकदम इक्वल है, एच पी अंदर से बाहर लग रहा है, ओ पी बाहर से अंदर लग रहा है, कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। अब जब कभी भी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ता है, कब बढ़ता है, जब वीनस आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा होता है, ऐसा कब होता है, कंजेसिव हार्ट फेलियर के दौरान एच पी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। एरो में डिफरेंस देखो, ऊपर का एरो देखो, नीचे का एरो देखो, तो उससे क्या होता है एंडोथेलियल सेल्स में गैप आ जाता है, और गैप आते ही फ्लूड का लीकेज होना स्टार्ट हो जाएगा जिसको हम क्या कहते हैं ट्रांसुडेट कहते हैं। और जैसे ट्रांसुडेट की कंडीशन होएगी तो कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाएगा, देखो ऊपर का एरो और नीचे का एरो। अब ये कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर कम जब होता है तो दो कंडीशन में कम होता है, दो कौन सी कंडीशन,
प्रोटीन की अगर हमारी बॉडी में कमी हो जाए तो कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाता है। प्रोटीन की कमी से जुड़ा हुआ है कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। प्रोटीन की कमी दो तरीके से हो सकती है, या तो प्रोटीन का सिंथेसिस कम हो जाए या प्रोटीन का लॉस ज़्यादा होने लग जाए। सिंथेसिस कम कब होता है? जब किसी पर्सन को लिवर डिसीज़ होती है, क्योंकि प्रोटीन लीवर में बनते हैं। और प्रोटीन का लॉस ज़्यादा कब होता है? जब किसी को रीनल डिसीज़ होती है, तो रीनल के थ्रू वो यूरिन में बाहर निकलने लग जाता है, प्रोटीन यूरिया हो जाता है, तो ओपी कम हो जाएगा। ओपी कम होते ही वैसोडाइलेशन और स्टासिस होएगा। वैसोडाइलेशन स्टासिस होते ही इंटर एंडोथेलियल स्पेस जो है वो बड़ा हो जाएगा, इन्फ्लामेशन कॉज हो जाएगा, और फ्लूड और प्रोटीन का लीकेज भी होने लग जाएगा। ये देखिए जैसा आपको इस डायग्राम में दिखाई दे रहा है, इस कंडीशन को भी कहते हैं एक्ज्यूडेट। तो देखिए कितना गैप आ गया एंडोथेलियल सेल्स के अंदर, जिससे कि वहाँ से प्रोटीन और सेल्स भी निकलने लग जाएंगे। ठीक है, अब क्या कोई फ्लूड एक्ज्यूडेट ट्रांसमिट भी हो सकता है हमारे ओवर ओरल कैविटी के अंदर? तो देखिए जो विस्क्यूलर परमेबिलिटी बढ़ती है उसका मैकेनिज्म देखिए। एंडोथेलियल सेल्स में पहले कॉन्ट्रैक्शन होएगा, फिर रिट्रैक्शन होएगा, फिर डायरेक्ट इंजरी होती है। एंडोथेलियल इंजरी ल्यूकोसाइट्स के द्वारा मीडिएट होती है, जिससे कि वहाँ पे लीकीनेस हो जाता है, नियोवेस्कुलराइजेशन। नियोवेस्कुलराइजेशन मतलब नई नई ब्लड वेसल्स वहाँ पर आ रही होती है, बन रही होती है। तो ये वेन्यूलर और आर्टेरियल एंड दिखाया गया है। तो एंडोथेलियल सेल्स में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, जबकि नीचे की एंडोथेलियल सेल्स आपको एकदम नॉर्मल दिखाई दे रही है। बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर एंडोथेलियल सेल्स एकदम नॉर्मल है, जबकि ऊपर वाली लेयर के अंदर एंडोथेलियल सेल्स में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। एक जगह पर दूसरी जगह पर रिट्रैक्शन दिखाया गया है, डायरेक्ट इंजरी दिखाई गई है। एंडोथेलियल इंजरी में मोनोन्यूक्लियर सेल्स यहाँ पर उस इंजरी वाली जगह पर देखो पहुँची दिखाई गई। कितनी इंजरी दिखाई गई ना सेल्स से, वो कैसी हो गई, अजीब सी। और यहाँ पे नई नई ब्लड वेसल्स बन जाते, नियोवेस्कुलराइजेशन, नई सेल्स वापस से बन गई, वापस से रिपेयरिंग वगैरह हो गई, ये कंडीशन दिखाई गई है। तो वेस्कुलर परमेबिलिटी बढ़ने के वजह से ये मैकेनिज्म देखने को आपको मिलता है। अब जो एंडोथेलियल कॉन्ट्रैक्शन है उसकी वजह से गैप्स आ जाता है वेन्यूल्स में, वैसो एक्टिव मीडिएटर्स वहाँ हिस्टामिन लिगोट्राइन्स पहुँच जाते हैं। ये मोस्ट कॉमन है, फास्ट और शॉर्ट लिव्ड हो जाती है सेल्स, कुछ मिनट में ही टूट फूट जाएगी। डायरेक्ट इंजरी आर्टेरियल्स कैपिलरीज वेन्यूल्स में हो सकती है, टॉक्सिन्स बंस या केमिकल्स की वजह से। ये भी फास्ट होती है पर ये लॉन्ग लिव्ड होती है, कुछ घंटों से कुछ दिनों तक भी ये रह सकती है। ल्यूकोसाइट डिपेंडेंट इंजरी में, अगर ल्यूकोसाइट की वजह से इंजरी हो रही है, क्योंकि इंजरी किस किस वजह से हो रही है भाई, पहला तो गैप आ जाए, दूसरा डायरेक्ट इंजरी, तीसरा ल्यूकोसाइट की वजह से, ये हमेशा वेन्यूल्स में देखने को मिलती है कंडीशन। पल्मोनरी कैपिलरीज में भी होती है, लेट रिस्पॉन्स है तो ऑब्वियस है लॉन्ग लिव्ड, कई घंटों तक बनी रहती है कंडीशन। या ट्रांसाइटोसिस बढ़ जाता है वेन्यूल्स के अंदर तो वैस्कुलर एंडोथेलियम में देखने को मिलती है, ग्रोथ फैक्टर डिराइव्ड होती है। न्यू ब्लड वेसल्स बनने लगती है, एंजियोजेनेसिस की साइट आपको वहाँ पर दिखाई देगी, यानी ब्लड वेसल्स नई नई बनेगी। एंजियोजेनेसिस का मतलब ये कंडीशन परसिस्ट रहती है इंटरसेल्यूलर जंक्शन पर, जब तक इंटरसेल्यूलर जंक्शन बन जाता तब तक ये कंडीशन सिचुएशन परसिस्ट कर जाती है। अब एंडोथेलियल सेल्स में कॉन्ट्रैक्शन दिखाए गए हैं, वेन्यूल्स पर ज़्यादा इसका असर पड़ता है। एंडोथेलियल जो सेल्स हैं वो टेम्प्ररी गैप्स वहाँ पर डेवलप कर देगी, जैसा आपको गैप इस डायग्राम के अंदर दिखाई दे रहा है। ऊपर कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो यहाँ गैप आ गया, इस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से वेसल्स जो है वो लीकीनेस उसमें बढ़ जाती है। हिस्टामिन, ब्रैडीकाइनिन और दूसरे केमिकल मीडिएटर्स वहाँ पे लीक होने स्टार्ट हो जाते हैं। ये 15 से 30 मिनट के लिए रहती है, यानी शॉर्ट ड्यूरेशन की होती है। इंजरी के तुरंत बाद ये कंडीशन दिखाई देती है। रिट्रैक्शन के अंदर साइटोस्केलेटन जो स्ट्रक्चर है एंडोथेलियल सेल्स का, उसका रीऑर्गेनाइजेशन हो जाता है। रिवर्सिबल रिट्रैक्शन होता है इंटरसेल्युलर जंक्शन के ऊपर। यहाँ पे साइटोकाइंस जैसे इंटरल्यूकिन 1 वगैरह और ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा वगैरह वहाँ पे पहुँचने स्टार्ट हो जाते हैं। तो देखिए लीकेज दिखाया गया है। डायरेक्ट इंजरी में सेल नेक्रोसिस की वजह से हो सकता है, फिजिकल गैप वहाँ पर दिखाई देंगे, थ्रोम्बोसिस का प्रोसेस उस जगह पर शुरू हो जाता है डैमेज एंडोथेलियल सेल्स के ऊपर। ये माइक्रोवैस्कुलर के सभी लेवल्स को अफेक्ट करती है।
ये इमिडिएटली भी हो सकती है इंजरी के तुरंत बाद, या फिर हो सकता है कई घंटों और कई दिन भी लग जाए। अगर सीवियर बैक्टीरिया इन्फेक्शन वहाँ पे हो रहा है तो इस कंडीशन में कई समय भी काफ़ी समय लग सकता है, डिले हो सकती है 2 से 12 घंटे तक के लिए, और कुछ घंटों से कुछ दिनों तक भी हो सकती है। जब मॉडरेट थर्मल इंजरी या रेडिएशन इंजरी हो रही होती है तो कई दिन भी उसमें लग जाते हैं। ल्यूकोसाइट्स की वजह से ल्यूकोसाइट एंडोथेलियम पे आकर के चिपक जाएंगे जहाँ इन्फ्लामेशन हो रहा है। ल्यूकोसाइट्स एक्टिवेट होकर के प्रोटियोलाइटिक एंजाइम और टॉक्सिक ऑक्सीजन को वहाँ पे रिलीज करने लग जाते हैं, जिससे कि एंडोथेलियल सेल में इंजरी हो जाती है और वैस्कुलर लीकीनेस बढ़ जाता है। मोस्टली ऐसा वेन्यूल्स में दिखाई देता है और ये एक लेट रिस्पॉन्स है। न्योवैस्कुलराइजेशन और लीकीनेस क्या है? जब नई नई कैपिलरीज बन रही होती है वैस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर की वजह से, तो उसको अपन न्योवैस्कुलराइजेशन कहते हैं। ये रिपेयर का प्रोसेस है ट्यूमर्स में, इसमें एक्सेसिवली लीकीनेस हो जाते ट्यूमर्स के केस में देखने को मिल रहा होता है। तो बस ये सारा का सारा है आपका वैस्क्यूलर इवेंट जो हमने पढ़ा। अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर सेल्युलर इवेंट्स पढ़ेंगे। वैसे एग्ज़ाम में आपको इस चीज़ को इतना डिटेल में लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपको एग्ज़ाम में जो मैंने स्टार्टिंग के पॉइंट्स बताए और हीमोडायनेमिक वैस्कुलर चेंजेस बताए, बस वहाँ तक नाम नाम लिख दीजिए। हर एक पॉइंट को ऐसे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया है। और जो मैंने फ्लो चार्ट बताया था, इनिशियल रिएक्शन टू टिश्यू इंजरी, वैसो कॉन्स्ट्रक्शन, वैसो डायलेशन, लीकेज ऑफ प्रोटीन रिच फ्लूड, न्यूट्रोफिल रिक्रूटमेंट और आउटकम्स ऑफ एक्यूट इन्फ्लामेशन, बस इतना भी लिखेंगे तो भी आपके लिए सफिशेंट है। और कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।